नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। देश के असली नायक, देश के असली हीरे सिर्फ काम करते हैं, अपना प्रमोशन नहीं करते, अपनी महानता का प्रदर्शन नहीं करते। जी न्यूज हमेशा ऐसे नायकों को सलाम करता रहता है और उनके संघर्ष की कहानियां आपको दिखाता भी रहता है। और हाल ही में पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ था, आपको याद होगा, और पद्म पुरस्कारों के विजेताओं में से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी कहानियां हमने जी न्यूज पर आपको दिखाई थी। ये भारत के अनसंग हीरोज हैं, यानी ये ऐसे लोग हैं जो नेताओं की तरह सिर्फ कैमरे के सामने आकर काम करने के झूठे वादे नहीं करते, बल्कि असलियत में चुपचाप बिना शोर मचाए काम करते हैं। कई बार आप खुद लोगों से कहते होंगे कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा और अच्छे लोग अब कहां मिलते हैं, लेकिन आज हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। हमें लगता है कि सप्ताह की शुरुआत एक पॉजिटिव खबर से होनी चाहिए और इसीलिए हमने आज ये तय किया है कि हम इन लोगों से और इनके काम से आज आपका परिचय करवाएंगे। आप इसे देश के सबसे पॉजिटिव लोगों का सीवी भी कह सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके घर में कोई नया सामान आ जाए तो कुछ पड़ोसियों को जलन महसूस होने लगती है। इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है और इसकी वजह है भारत और यूएई के बीच गहरी दोस्ती। 26 जनवरी को भारत के सम्मान में बुर्ज खलीफा का रंग तिरंगे झंडे जैसा हो गया था और तब से ही पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स जलन और ईर्ष्या की वजह से भारत का नाम लेकर विलाप कर रहे हैं और वैचारिक आंसू बहा रहे हैं। ये पाकिस्तान से आई एक बेहद दिलचस्प खबर है और हमारे पास आज कई ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जिन्हें देखना आपके लिए एक बहुत ही मजेदार अनुभव रहेगा। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के गेट पर वहां के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा नया ताला लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 7 इस्लामिक देशों से आने वाले शरणार्थियों और नागरिकों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं उसके मुताबिक अगले 120 दिनों तक अमेरिका में किसी भी रिफ्यूजी को प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो। सीरिया से आने वाले शरणार्थियों पर यह प्रतिबंध अघोषित समय के लिए लागू किया गया है, जबकि 90 दिनों तक सीरिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान, लीबिया और यमन के किसी भी नागरिक को अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, फिर चाहे उसके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड ही क्यों ना हो। ये बहुत बड़ा फैसला है और इसका असर पूरी दुनिया की कूटनीति पर पड़ना शुरू हो गया है, इसलिए इसका विश्लेषण करना आज बहुत जरूरी है। इस डीएनए टेस्ट के लिए हमने अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट से भी बात की है ताकि आपके सामने पूरी तस्वीर पेश की जा सके। और आज हमारे पास भारत के हर निराश और दुखी व्यक्ति को आशावादी बनाने वाली एक खबर है। आज हम आपको बताएंगे कि 35 वर्ष के रॉजर फेडरर अपनी उम्र को, अपनी कमजोरियों को और अपने बुरे वक्त को हराकर 2017 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन्स सिंगल्स चैंपियन कैसे बन गए। रॉजर फेडरर ने ऐसी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के युवा प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। आम लोगों और छोटे कारोबारियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट खत्म कर दी गई है। हालांकि हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की लिमिट बरकरार रहेगी, यानी अब लोग एटीएम से एक बार में 24,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। फिलहाल एटीएम से 10,000 रुपए निकालने तक की लिमिट रखी गई है। आरबीआई ने बैंकों से पैसे निकालने की अपनी लिमिट तय करने को भी कहा है। करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पैसे निकालने की लिमिट तुरंत प्रभाव से हटा दी गई है। बचत खाते से पैसे निकालने की लिमिट हटाने पर भी आरबीआई विचार कर रहा है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के 42 मामलों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई नए बेनामी कानून के तहत हुई है। नोट बैन के बाद बेनामी लेनदेन पर आयकर विभाग की ये पहली कार्रवाई है। नोट बैन के बाद आयकर विभाग ने साफ चेतावनी दी थी कि लोग किसी दूसरे के बैंक खाते में पुरानी करेंसी का बेनामी धन न जमा करें। आयकर विभाग ने ऐसे मामले में कुल 87 नोटिस जारी किए थे, जिसके तहत कुल 41 मामलों में बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए और एक अचल संपत्ति को अटैच किया गया है। 1 नवंबर 2016 से लागू हुए नए बेनामी कानून के तहत 7 साल जेल और भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग बेनामी कानून के तहत कुछ और नोटिस जारी कर सकता है। कांग्रेस ने आम बजट को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बजट में चुनावी फायदे की घोषणाएं हुई तो बजट सत्र पर असर पड़ेगा। कांग्रेस ने चेतावनी सर्वदलीय बैठक में दी।
कोई ऐसा कंसेशन नहीं लाए भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाए और अपोजिशन का फायदा हो जाए, ये हमने बताया है। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है इसका असर जो है जो 8-9 दिन का हाउस में चर्चा है उस पर इसका असर पड़ेगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सदन चलाने में सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि संसद महापंचायत है, चुनावी सीजन में मतभेदों के बावजूद इसे ठीक ढंग से चलना चाहिए। सरकार ने 1 फरवरी को ही बजट लाने पर विपक्ष की दलीलों को खारिज भी किया है। गिलवा शिकवाओं के बावजूद भी यदि लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए और प्रजातंत्र चलना चाहिए तो हम बहस चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। बैठक में विपक्ष ने यह भी संकेत दिया कि संसद सत्र में नोट बैन दोबारा मुद्दा बन सकता है। उधर सत्र के पहले 2 दिन तृणमूल कांग्रेस सदन में मौजूद नहीं रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। आर्थिक सर्वे के 1 दिन पहले कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था पर एक दस्तावेज पेश किया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ पेश किए गए इस डॉक्यूमेंट को मनमोहन सिंह ने रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी कहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन दिस करंट फिस्कल ईयर विल नॉट बी 7.6% बट less than that 6.6%। कांग्रेस की दलील है कि नौकरियां घटी हैं, देश में पैसे का निवेश नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार ने कांग्रेस के सभी आरोपों को गलत बताया है। It's not based on hard research or data, it's more based on their own wish list, on their own assumptions. कश्मीर के माछिल सेक्टर में एवलांस से बचाए गए 5 सैनिक शहीद हो गए। खराब मौसम के बावजूद आर्मी एविएशन की टीम ने आज इन सैनिकों को इलाज के लिए माछिल से श्रीनगर पहुंचाया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शनिवार को एवलांस के दौरान 5 सैनिक बर्फ के नीचे दब गए थे। उसी दिन उन्हें बर्फ के नीचे से निकाल लिया गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इलाज के लिए फौरन श्रीनगर नहीं पहुंचाया जा सका। कश्मीर घाटी में इस साल 20 सैनिक एवलांस की वजह से शहीद हो गए हैं। 14 सैनिक जहां गुरेज में शहीद हुए, वहीं माछिल में 5 और सोनमर्ग में 1 सैनिक की जान खराब मौसम की वजह से चली गई। गुरेज में शहीद होने वाले 5 सैनिकों का शव आज श्रीनगर पहुंचा। कल सैनिकों का शव अंतिम संस्कार के लिए उनके घर भेजा जाएगा। चुनाव में विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक सुरेश राणा पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। एक चुनावी जनसभा में विधायक सुरेश राणा ने कहा कि अगर उन्होंने चुनाव जीत लिया तो कैराना, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। सुरेश राणा के विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने भी शामली जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से नाराज मुलायम सिंह यादव 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम सिंह उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं जो सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। कल ही मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कांग्रेस को दी गई सीटें उन कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए थी जो कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हैं। जब इनको सीटें दे दी तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता जिन्होंने 5 साल मेहनत की है उन्हें चौर लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो बताइए 5 साल बाद क्या करेंगे वो कार्यकर्ता। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। डॉक्टर चंद्रा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं। मैंने सुना कि पंजाब में जिन लोगों ने पार्टी को, इसकी आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जी, उन्हीं लोगों को ही इसने दूर कर दिया था 6 महीने। आदमी निहायत झूठा, निहायत मक्कार, निहायत बेईमान आदमी है, मैं आज कह सकता हूँ। डॉक्टर चंद्रा ने ये भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को समर्थन देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है। क्योंकि उस आदमी को अगर पंजाब के लोग सपोर्ट करेंगे तो सबसे बड़ा अपने आप के पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे।